कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1996 का वक्त दिखाया जाता है। एक आदमी समंदर के किनारे भागता जा रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक गेम बोर्ड मिलता है। अब वो गेम अपने घर ले आता है। वो गेम लाकर उस आदमी ने अपने बेटे को दे दी थी। अब जब उसका बेटा वो गेम देखता है तो उसे देखकर उसे लूडो वाली फीलिंग आती है, इसलिए उसने उसे साइड पर रख दिया था। रात को उस गेम से आवाजें आने लगी थी। उस आदमी का बेटा जब उस गेम बोर्ड को खोलता है तो उसमें से एक वीडियो कैसेट मिलती है। अब वो लड़का जैसे ही उस वीडियो कैसेट को लगाकर गेम खेलने लगता है, हम देखते हैं उसमें से बहुत तेज रोशनी बाहर आती है और वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए उस वीडियो गेम में चला गया था। अब कहानी हमें ले चलती है 20 साल आगे, यानी कि 2017 में हम एक लड़के स्पेंसर को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसे अपने दोस्त का मैसेज आता है कि उसने उसका होमवर्क किया या नहीं। दरअसल उसका दोस्त स्पेंसर से जबरदस्ती होमवर्क करवाया करता था। स्पेंसर ने जल्दी से वीडियो गेम को छोड़ दिया था और अपने दोस्त का होमवर्क पूरा करता है। वो अपने दोस्त से काफी डरा करता था, इसलिए जल्दी से उसके होमवर्क को पूरा कर दिया था और जाने वाला था। स्पेंसर के दोस्त ने उसे फ्रीक हाउस बुलाया था। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वो हर वक्त अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिया करती थी। इस लड़की का नाम बेथनी होता है। उधर स्पेंसर अपने दोस्त का होमवर्क लेकर फ्रीक हाउस पहुंच गया था। फ्रीक हाउस दरअसल उसी लड़के का घर था जो कहानी के शुरू में गेम की वजह से गायब हो गया था और उसका घर अब काफी डरावना भी लगता था, इसलिए सब उसे फ्रीक हाउस के नाम से जानते थे। अब हमें कहानी में एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मार्था था। उसकी लड़ाई अपनी जिम टीचर से हो गई थी तो इसीलिए उसकी टीचर ने उसे सजा दी थी। उधर स्पेंसर और उसके दोस्त का भी टीचर्स को पता चल जाता है कि स्पेंसर ने अपने दोस्त का होमवर्क करके दिया है, उन्हें भी सजा दी जाती है। बेथनी क्लास में बैठी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो इस वजह से उसकी टीचर भी उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। अब इन चारों को स्कूल की बेसमेंट में भेज दिया जाता है। इनकी सजा ये थी कि इन्होंने मिलकर पुराने पेपर्स की स्टेपलर्स पिन को खोलना था। ये चारों सारा दिन यहाँ पर ऐसे गुजारना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें वहाँ से वही वीडियो गेम मिलती है। शायद उस आदमी ने अपने बेटे के गायब होने के बाद वो वीडियो गेम स्कूल को दे दी थी। ये चारों उस गेम को स्क्रीन से कनेक्ट जोड़ते हैं। स्पेंसर और उसका दोस्त गेम को खेलने लगे थे। वो बेथनी और मार्था को भी बुलाते हैं। अब जब ये चारों उस गेम को खेल रहे थे तभी अचानक से गेम बंद हो जाती है। गेम बंद तो हो गई थी मगर ये चारों एक एक करके अब उस गेम में जाने लगते हैं। ये जंगल में पहुंच गए थे। गेम खेलने से पहले इन्होंने जो कैरेक्टर्स चुने थे उन्हीं कैरेक्टर्स में ये बदल गए थे। इनकी सबकी अपनी अपनी खूबियां थी जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। वो चारों जब एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान होते हैं क्योंकि सब बदल गए थे। स्पेंसर जो कि एक दुबला पतला लड़का था वो एक ताकतवर आदमी बन गया था। वो सबको कहता है मैं स्पेंसर हूँ। मार्था जो कि एक सीधी सादी लड़की थी वो अब एक बहादुर लड़की बन चुकी थी। बेथनी जिसे फैशन करना और सोशल मीडिया का बहुत शौक था वो अब एक मोटे प्रोफेसर में बदल जाती है। स्पेंसर का दोस्त जो काफी लंबा था वो अब एक छोटे कद का बायोलॉजिस्ट बन चुका था। वो सभी एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान थे। बेथनी जब खुद को देखने पानी के पास जाती है तो एक बहुत बड़ा जानवर इनके पास आकर इन्हें खाने वाला था। वो बेथनी को खा जाता है मगर थोड़ी देर बाद वो वापिस से आसमान से नीचे आकर गिरती है। अब ये चारों अपने हाथ पर तीन काली लाइन्स देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये गेम में शामिल हो गई हैं। इनके पास तीन लाइफ लाइन्स हैं यानी कि तीन चांस कि वो अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। तभी वो जानवर फिर से इन पर हमला करते हैं। जैसे कि बेथनी को उस जानवर ने खाया वो फिर से जिंदा हो गई तो उसके पास अब दो लाइफ लाइन बची थी। ये चारों उस जानवर से बचने के लिए बहुत भागते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो इनको बिठाकर अपने साथ ले गया था। वो अब इनको जुमांजी गेम के बारे में बताता है जो इस मूवी का नाम भी है। वो इन चारों को वेलकम करता है इस जुमांजी गेम में और इनको अब गेम के बारे में बताता है। कहता है इस गेम में भी हर गेम की तरह एक विलन है जिसने यहाँ जंगल में जैगुआर चीते की बनी हुई मूर्ति से हीरे को निकाला था, जिसके बाद सारा जंगल शापित हो गया और जंगल के सभी जानवर भी उसकी बात मानने लगे। उसने हीरे से सारी ताकतों को पा लिया था। अब वो आदमी हीरा स्पेंसर को देता है और कहता है कि इस हीरे को मैंने उस विलन से चुरा लिया, तुम्हें ये हीरा वापिस से उसी जगह पर जाकर रखना होगा और गेम को खत्म करने से पहले जो मांझी कहना तभी तुम इस गेम को खत्म कर पाओगे। और अब एक नक्शा देकर वो वहाँ से चला जाता है जिसमें लिखा हुआ था आगे का रास्ता। जब ये नक्शे को देखते हैं तो वो खाली था। बेथनी कहती है क्या तुम लोग पागल हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बेथनी का यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अब बहादुर होने के साथ साथ काफी अकलमंद भी बन चुकी थी। वो नक्शे को पढ़ना जानती थी। वो बताती है इस नक्शे में एक हिस्सा गायब है, अभी हम पहाड़ों के दरमियान में हैं और बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। तभी स्पेंसर का हाथ अपने बाजू पर लगता है और एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर सभी की स्ट्रेंथ और वीकनेस, कमजोरियां और ताकतें लिखी हुई थी। स्पेंसर के बारे में लिखा था कि वो
काफी ताकतवर है और बहुत तेज भाग भी सकता है। उसकी कमजोरी कुछ भी नहीं थी। स्पेंसर का दोस्त जब अपने बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है, बताता है कि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ और सभी जानवरों के बारे में भी जानता हूँ। और उसकी कमजोरी में था केक, कि अगर वो केक खाएगा तो मर जाएगा। मार्था जो कि एक फाइटर डांसर थी, बेथनी नक्शे को पढ़ना जानती थी, अब इन सबको समझ आ गई थी कि ये लोग जुमांजी गेम में हैं और इन्हें अब ये गेम खेलने भी होगी। तभी वहाँ पर चारों पर बाइकर्स हमला कर देते हैं, वो इन पर गोलियां बरसा रहे थे। ये गेम में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। बेथनी को जब एक बाइकर मारने वाला था तभी उधर मार्था आकर उस बाइकर का मुकाबला करती है और अपनी लड़ाई से मार गिराती है। स्पेंसर का दोस्त जो कि नहीं भाग पा रहा था, स्पेंसर उसे अपने कंधों पर उठाकर भागने लगता है। अब उन लोगों से बचते बचते ये चारों एक झरने के पास पहुंच गए थे। इनके पास कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी मार्था को पता चलता है कि उसे एक गोली लगी है, वो भी मर जाती है, मगर कुछ देर के बाद आसमान से आकर गिरती है। इसका मतलब उसकी भी एक लाइफ खत्म हो चुकी थी। यहीं पर स्पेंसर का दोस्त उससे लड़ने लगता है, कहता है कि ना तुम इस गेम को खेलते और ना ही आज हम इस मुसीबत में होते। स्पेंसर कहता है बकवास नहीं करो, मैंने अकेले इस गेम को नहीं खेला था। स्पेंसर का दोस्त जो हर वक्त उस पर हुक्म चलाता और डराया करता था, वो आज भी ऐसा ही कर रहा था। और इसी लड़ाई के दौरान वो स्पेंसर को धक्का दे देता है, जिससे स्पेंसर एक खाई में जाकर गिरता है, मगर वापस से जिंदा हो गया था। उसकी भी एक लाइफ खत्म हो गई थी। जब स्पेंसर वापस आता है तो ये लोग एक दूसरे से कहते हैं, ऐसे तो हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे इस गेम से, हमें लड़ने से अच्छा है इस गेम को अच्छे से खेलना होगा। ये चारों नक्शे के मुताबिक एक बाजार में पहुंच गए थे, जहां पर स्पेंसर का दोस्त गलती से केक खा लेता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मगर थोड़ी देर बाद वो दोबारा जिंदा हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं, सबके पास लाइफ जिंदगी के तीन चांस हैं। उधर बाजार में इनके सामने एक बच्चा आता है जो इन्हें एक जगह पर ले आया था और कहता है वेलकम टू द जुमांजी। अब वो इन्हें कमरे के पास ले आया था और कहता है अगर आंखें झपकाएं तो ये तुम्हें मार देगा। इतना कहकर वो चला गया था। इन्हें इस पहेली को सुलझाना था। वो जब उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर एक बॉक्स में बहुत बड़ा सांप था। स्पेंसर जब उसको खोलता है तो इन्हें अब पता चलता है कि आंखें इन्हें सांप से मिलानी है। बेथनी कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ, जो कि अब एक प्रोफेसर में बदली हुई थी। मगर जब वो सांप के आगे बैठती है तो डर जाती है। वो सांप तभी मार्था पर हमला कर देता है, मगर स्पेंसर ने उस सांप के मुंह को पकड़ लिया था। ये उस बॉक्स से एक पेपर को निकालते हैं। उन्हें उस पेपर में छोटा सा हाथी मिलता है। उसमें साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि जैसे ही तुम हाथी को देखना तो चलना शुरू कर दो। मगर ये सब सोचते हैं कि इनके नक्शे का ये आधा हिस्सा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर गेम के विलन के आदमी आ जाते हैं जो इन पर हमला करते हैं। अब तो वो खुद भी इनके सामने आ गया था और स्पेंसर से कहता है मेरा हीरा मुझे वापस कर दो। मगर तभी यहाँ पर एक लड़का बचाकर इन्हें ले गया था, जो कोई और नहीं बल्कि वो ही लड़का था जो कहानी के शुरू में गेम में चला गया था, जो 20 साल पहले गुम हुआ था। इसका नाम मेलिक्स होता है। वो विलन के लोगों के सामने धुआं कर इन्हें बचाकर एक गार में ले आया था। अब जब ये उस गार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहले इनके सामने सफेद रंग के ब्लेड आते हैं, फिर एक पानी की खाई जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। वो किसी न किसी तरह वहाँ से बाहर आ गए थे। अब एलेक्स इनको अपने बारे में बताता है कि मैं आज से 20 साल पहले इस गेम में फंसा था और अब तक नहीं निकल पाया। उधर विलन बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे अपना हीरा अभी तक नहीं मिला था। इधर एलेक्स इन चारों को अपने घर ले आया था और बताता है कि मैं 20 साल से इधर ही रह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ अब एक लाइफ लाइन बची है, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। अब इनको यहाँ पर ये बात समझ आती है कि जिस नक्शे के आधे हिस्से को ये लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़का एलेक्स ही है, इसी को इन्होंने गेम में ढूंढना था। ये सभी बहुत खुश थे, इन्होंने एलेक्स को ढूंढ लिया था। वो बताता है अब हमारी गेम का अगला लेवल एक ट्रांसपोर्टेशन शेड है, अगर हमने उसे पार कर लिया तभी हम उस पहाड़ पर पहुंच पाएंगे जहां पर हमने हीरे को लगाना है। ये जब उस जगह पर जाते हैं तो उधर दो गार्ड्स पहरा दे रहे थे। ये ऐसे ही उनके सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ लाइन को भी बचाना था और न ही इनके पास कोई हथियार था। तो सभी ये फैसला करते हैं कि मार्था को इन गार्ड्स के सामने भेजेंगे जो जाकर उनका ध्यान भटकाएगी, क्योंकि इनके बीच में लड़की सिर्फ मार्था ही थी। अब बेथनी जो के मोटे प्रोफेसर में बदल गई थी, वो मार्था को लड़कियों की अदाएं सिखाती है कि कैसे उसने जाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाना है। अब मार्था गार्ड्स के पास चली तो गई थी मगर पागलों की तरह एक्टिंग करती है, उसे सही से एक्टिंग ही नहीं करने आती। तभी गार्ड्स वहाँ पर गाने को चला देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मार्था एक फाइटर डांसर थी, वो गाने को सुनते ही उन गार्ड्स पर हमला कर देती है। बहुत ही मजे से वो दोनों को मार रही थी। तभी पीछे के रास्ते से ये लोग उस शेड में चले जाते हैं। यहाँ से इन्हें एक चीज को लेना था, ये सब हेलीकॉप्टर को लेने का सोचते हैं। एलेक्स को हेलीकॉप्टर चलाने का कहते हैं क्योंकि और कोई हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानता था।
का, मगर वो साफ इनकार कर देता है, नहीं नहीं मैं नहीं चला सकता इसको क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है और मैं इतना बड़ा रिस्क खतरा अपनी जिंदगी के साथ नहीं ले सकता। मगर स्पेंसर के कहने पर एलेक्स उस हेलीकॉप्टर को चला लेता है। तभी इनके पीछे विलन के लोग भी आ गए थे। एलेक्स हेलीकॉप्टर को उड़ाता पहाड़ों के दरमियान से लेकर जा रहा था। तभी इनके पीछे मोटे मोटे गेंडे पड़ जाते हैं जिन्होंने इनके हेलीकॉप्टर के पंखे को खराब कर दिया था। अब स्पेंसर ऊपर जाता है और पंखे को किसी तरह से उसने ठीक कर दिया था। एलेक्स जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था, जब वो उसे उड़ाकर ऊपर ले जाता है तो अब स्पेंसर के दोस्त को याद आता है कि हीरा उसके बैग से नीचे गिर गया है। सवाल अब ये था कि उसको लेने कौन जाएगा क्योंकि उस हीरे के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े जानवर घूम रहे थे। तभी स्पेंसर अपने दोस्त को धक्का दे देता है। सभी बहुत बड़े बड़े जानवर उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे से स्पेंसर ने आकर उस हीरे को उठा लिया था। एलेक्स भी उसे बचा लेता है मगर स्पेंसर के दोस्त को उन जानवरों ने मार दिया था। जब वो दोबारा से जिंदा होकर आसमान से नीचे गिरता है तो एलेक्स हेलीकॉप्टर को उल्टा करता है और तभी स्पेंसर ने अपने दोस्त के हाथ को पकड़कर उसे बचा लिया था। ये पहाड़ पर पहुंच गए थे और बहुत खुश होते हैं। तभी एक मच्छर एलेक्स को काट जाता है जो उसकी कमजोरी थी। वो बेहोश हो जाता है। इधर कोई भी नहीं चाहता था कि वो एलेक्स को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़े। तभी यहाँ पर बेथनी अपनी एक लाइफ लाइन एलेक्स को दे देती है। एलेक्स तो जिंदा हो गया था मगर बेथनी की एक लाइफ कम हो चुकी थी। ये उस जगह पर पहुंच जाती है जिधर चीते की मूर्ति बनी हुई थी। ये सब यहाँ पर आ तो गए थे मगर आकर सोचते हैं कि इतना सब कुछ आसान नहीं हो सकता जितना हमें लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इनमें से स्पेंसर कहता है मैं जाऊंगा पहले इस रास्ते पर, मगर जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बहुत से जानवर इस पर हमला कर देते हैं। एक चीते ने स्पेंसर को मार दिया था। जब वो वापस से जिंदा होकर आता है तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताता है कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हम ऐसे एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, मेरे पास एक आइडिया है, हमें अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। जब ये सभी अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे तो स्पेंसर के दोस्त को एक बहुत बड़ा हाथी मिलता है। उधर विलन ने बेथनी को पकड़ लिया था और स्पेंसर से कहता है जो हीरा तुम्हारे पास है मुझे दे दो वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। तभी पीछे से स्पेंसर का दोस्त आता है जिसके पास हीरा था। वो बहुत बड़े हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। इधर बहुत से चीते उस पर हमला कर देते हैं। वो हीरा उसके हाथ से छुटकर ऊपर की तरफ गिर गया था। विलन भी बेथनी को छोड़ देता है। मार्ता यहाँ पर स्पेंसर से कहती है तुम ऊपर जाओ, हीरा मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। अब स्पेंसर एक बाइक लेता है, उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी राइडिंग बहुत ही शानदार थी। वो अपनी बाइक को नहीं रोकता और बस चढ़ता जा रहा था। उधर मार्ता जो हीरे को लेने गई थी तो देखती है हीरा बहुत से सांपों के बीच पड़ा हुआ है। उधर विलन भी आ गया था। यहाँ पर मार्ता जानबूझकर एक सांप पर पांव रख देती है जिससे सांप ने उसे काट लिया था। जब वो अपनी नई जिंदगी लेकर वापस आती है तो हवा में उड़ती हुई वो हीरा स्पेंसर को दे देती है। उस हीरे को स्पेंसर ने चीते की मूर्ति में लगा तो दिया था मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी सबको याद आता है कि ये गेम को तो खत्म करना था जुमांजी का नाम लेकर, और अब सब एक के बाद एक जुमांजी चिल्लाने लगे थे। इसके बाद उस जंगल का श्राप खत्म हो गया था। जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। गेम का विलन भी गायब हो गया था जिसके बाद उन पांचों के पास वही आदमी आता है जो इन्हें गेम के शुरू में मिला था। कहता है आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारे जुमांजी जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। फिर वो सभी से एक एक करके हाथ मिलाने लगता है जिससे सबके सब अपनी दुनिया में वापस पहुंच गए थे। फिर ये सभी उसी बेसमेंट वाले कमरे में वापस पहुंच जाते हैं अपने अपने असली रूप में जहां से इन्होंने गेम को खेलना शुरू किया था। लेकिन वो देखते हैं उधर एलेक्स नहीं था। जब ये उसे ढूंढने जाते हैं जो एलेक्स का घर फ्रीक हाउस था वो बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। एलेक्स आता उन्हें हेलो करता है, बेथनी भी हेलो करती है। एलेक्स इनको बताता है कि गेम ने मुझे उसी टाइमलाइन में भेजा है जब मैं गायब हुआ था, यानी कि मैं अपने ही टाइम में वापस आ चुका हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैंने अपनी बेटी का नाम बेथनी रखा है। गेम में बेथनी नाम की लड़की ने मेरी जान को बचाया था। ये चारों जो कभी एक दूसरे के दोस्त ही नहीं थे अब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं उस गेम को स्पेंसर के दोस्त ने तोड़ दिया था, यानी कि उसने जुमांजी को खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।